नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। देखिए, आज अडानी की संपत्ति को लेकर जो बड़ा खुलासा हो रहा है, पहले कहा जाता था कि हमारे देश में जो लगातार पैसे वाले लोग हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज फर्क पड़ रहा है। लगातार एक के बाद एक रिपोर्ट सामने आ रही है। कई सारी एजेंसियां हैं, कई सारे जो है ग्रुप्स हैं, वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि अडानी ग्रुप्स को जो इतना बड़ा घाटा हुआ है वो क्यों हुआ है। देखिए खबर क्या है। अडानी ग्रुप के लिए फिलहाल मुश्किलें हम कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। हिंडनबर्ग के बाद अब फोर्ब्स ने, जी हाँ, यहाँ पर जहाँ हिंडनबर्ग ने दावा किया था, अब फोर्ब्स एक एजेंसी है, यहाँ पर फोर्ब्स ने अडानी ग्रुप को चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। फोर्ब्स ने के अनुसार अडानी एंटरप्राइजेस के 2.5 अरब डॉलर यानी कि 20,000 करोड़ के FPO के तहत जिन 3 निवेश फंडों ने शेयर खरीदे थे उनका संबंध अडानी ग्रुप और संदिग्ध अडानी प्रॉक्सी से है। जी हाँ, 27 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप ने अपनी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस को FPO जारी किया था और फिर फुल सब्सक्राइब होने के बाद इसे अचानक वापस ले लिया था। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने FPO की वापसी जो है की जगह कंपनी के गिरते शेयरों को बताया था। यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि पहले हिंडनबर्ग ने दावा किया था, अब लगातार जो है फोर्ब्स जो है दावा कर रही है यहाँ पर कि इनके शेयर और भी गिरे हैं। कितना, मैंने यहाँ पर आपको आंकड़ा बताया, 20,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 20,000 करोड़ रुपए के FPO के तहत मैंने आपको यहाँ बताया है। देखिए, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दो मॉरिशस वेस्ट फंड, यहाँ पर आयुष्मत लिमिटेड और एल्म पार्क फंड और भारत बेस्ट एविएटर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड ने जो है एंकर निवेशकों के लिए उपलब्ध सभी शेयरों में 9.24% खरीदने के लिए सहमत हुए थे। और आपको यहां पर बता दें कि एक के बाद एक बड़ी रिपोर्ट यहां पर, चाहे फोर्ब्स हो, चाहे हिंडनबर्ग हो और चाहे मीडिया, तमाम लोग यहां पर बताते हुए नजर आ रहे हैं। जहां निर्मला सीतारमण ने एक दिलासा दी थी यहाँ पर अडानी को, वहीं देखा जाए तो तमाम नेता की बात कर लो, तमाम लोगों की बात कर लो, आज अडानी के साथ खड़े हैं। और ये भारत के लिए ही बुरी खबर है, क्योंकि भारत का परचम लहराने वाले अडानी ही हैं। अगर विश्व की बड़ी सूची में उनका नाम है तो कहीं ना कहीं भारत का भी नाम है कि भारत अमीर देशों में एक है। लेकिन सबसे बड़ी बात दर्शकों यहाँ पर ये निकल कर आती है कि जहाँ कांग्रेस पार्टी लगातार एक के बाद एक तंज कस रही है, चाहे यहाँ पर जयराम रमेश की बात कर लो, चाहे पवन खेड़ा की बात कर लो, चाहे सुप्रिया श्रीनेत की बात कर लो, तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो एक के बाद एक खुलासा कर रहे हैं विद आंकड़ों के सहित। और सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि मोदी और अडानी का जो एक रिलेशन है, इसके बारे में भी जो है यहां पर सुप्रिया श्रीनेत, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और तो और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो है यहां पर बड़ा खुलासा किया है। तो दर्शकों आप बताइए कि अडानी पर जो एक बुरे दिन चल रहे हैं अडानी की, ये कब ठीक होंगे? क्या सच में बीजेपी पार्टी और तमाम नेताओं का जो लगातार कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही है और ये कह रही कि राहुल गांधी की भविष्यवाणी सही साबित हुई, क्या सच में यहां पर नरेंद्र मोदी अडानी का साथ देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।